नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। महाराष्ट्र के सांगली में मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका यह कहना है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री को हटाने की मांग को लेकर सांगली में पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में लगातार कानून और व्यवस्था गिरती जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हटाओ इस मांग को लेकर कांग्रेस की जिला प्रवक्ता संतोष पाटिल ने कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 3 दिनों से अनशन शुरू किया है। ये अनशन सांगली के स्टेशन चौक से शुरू हुआ। मैं सांगली शहर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता संतोष पाटिल बोल रहा हूँ। सांगली ये महाराष्ट्र में आता है। सांगली का भूमि ये क्रांतिकारी का भूमि मान गया है। यहाँ पे क्रांतिवीर नाना पाटिल, वसंतदादा के जैसे लोग यहाँ पे थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ खिलाफ किया। यही शहर में, सांगली के शहर में, सांगली शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये गुमराह करके एक आरोपी को पकड़ा। उसको पुलिस स्टेशन के कोटिडी में थर्ड डिग्री देके बहुत मारपीट करके उसका एक जंगल में उसको जला दिया। ये सब कारनामा सांगली शहर पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक युवराज कामते ने किया। उन्होंने गुमराह करके एक आरोपी को पकड़ा, उनका कुछ भी इसका संबंध नहीं था। इन्होंने जिस दुकान में ये काम को था, वो आदमी ने उनको मारने की सुपारी दी। इनको जिंदा जलाया। ये महाराष्ट्र ये सांगली के भूमि में कृत्यहीन क्रूर कर्मा युवराज कामते, इनका जो दफ्तर आता है सांगली शहर, ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अंदर आता है। महाराष्ट्र पुलिस खाता का जो मेन खाता है वो गृह मंत्री मुख्यमंत्री के हाथ में है। मैं यहाँ पे एक मांगने के लिए बैठा हूँ, अनशन पे बैठा हूँ। आज 3रा दिन यहाँ पे अनशन पे चल रहे हैं। हमारी मांग यह है कि महाराष्ट्र का जिम्मेदार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, इनको पद से हटाना चाहिए। महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था की पूरी परिस्थिति बिगड़ गई है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए। जब तक मुख्यमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जाता, तब तक ये अनशन लगातार जारी रहेगा, ऐसा उनका कहना है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का दौरा कर जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी को देखने व उनको सुनने के लिए हजारों की जनसंख्या में लोग पहुंचे। 22 नवंबर से नगरीय चुनाव होने हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के लिए अयोध्या से प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद गोंडा और 3 बजे बहराइच पहुंचकर जनता को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन को समाप्त करने के साथ साथ जय श्री नाम के उद्घोष किए। उत्तर प्रदेश के बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। बहराइच के मोहल्ला चांदपुर इलाके में चल रहे 10 अवैध बूचड़खानों को पुलिस ने सीज किया। बहराइच जनपद के मोहल्ला चांदपुरा में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाना भैंस गोश्त मंडी में जिला प्रशासन बहराइच बड़ी कार्रवाई कर 10 दुकानों को सीज किया। भैंस व बछड़े मिलाकर 74 जिंदा जानवर बरामद किए। भैंस के गोश्त की सभी दुकानें बंद पिछले कई वर्षों से अवैध तरीके से चल रहा था ये गोश्त मंडी। इन गोश्त कारोबारियों के नहीं थे लाइसेंस, रिन्यूअल और अवैध बुचड़ खाने के जानवरों को नगर पालिका परिषद बहराइच भेजा गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पहले सीज की गई दुकानों के अंदर भी चल रहा था अवैध बुचड़ खाना। कारोबारियों के घरों में छापा मारा गया। घर पर व्यक्तियों के नाम मिलने पर औरतों के साथ बर्बरता दिखाई गई और घर की औरतों को पुलिस पकड़ ले गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट।
नगर निकाय चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अनिल राजभर का आगमन हुआ। नगर निकाय चुनाव के लिए मऊ जिले में बीजेपी सरकार के राज्य मंत्री अनिल राजभर का आगमन हुआ। वही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले राज्य मंत्री के सामने उनके समर्थकों ने जमकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के बाद जब राज्य मंत्री कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़े तो देखा कि उनका जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता सहित कार्यकर्ता गायब थे। भीड़ से संतुष्ट हैं आप? हाँ, कार्यकर्ता सम्मेलन है, मैंने तो गिनाया, हमारे सभी नेता मौजूद हैं। जिन लोगों ने राजभर समाज की भलाई की लड़ाई लड़ी है, हमारे रामदर्श जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मुन्ना राजभर यहाँ से यहाँ उपस्थित हैं, हमारे इस नगर के अध्यक्ष विजय राजभर जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मनोज राजभर जी युवा नेता उपस्थित हैं, सारे लोग तो है ही। हम लोगों ने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, हम आचार आदर्श आचार संहिता का पालन करने वाले हम लोग हैं। आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जो कुर्सियां लगाई गई थी लगभग सभी खाली थी, ये देखकर राज्य मंत्री दंग रह गए। जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता उपस्थित नहीं होने से ये दर्शाता है कि बीजेपी में अभी भी अंतरकलह है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। हाँ, मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारो और फिर नजरे उतारो, खुशियाँ दी इतनी सारी सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद, फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हाई स्कूल परीक्षा फॉर्म की फीस न भरने पर प्रबंधन कमेटी ने एक छात्रा को पढ़ाई से वंचित कर दिया। गरीबी के चलते हाई स्कूल परीक्षा फॉर्म की फीस न भर पाने के कारण एक सरकारी स्कूल के प्रबंधन ने बेटी को पढ़ाई से वंचित कर दिया। लेकिन जिले के पुलिस कप्तान ने इंसानियत का परिचय देते हुए जहां गरीब बेटी की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया, वही दूसरी तरफ शासन से अनुरोध कर उस बेटी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऑफलाइन फॉर्म भरवा दिया। मैडम ने कहा कि कल फीस लेकर आना, कल भर का टम को टाम दे रहे हैं और कल फीस लेकर आना वरना नाम काट देंगे। तो फिर हम स्कूल में फीस ही नहीं थी मेरी माँ के पास, तभी फिर हम स्कूल गए नहीं, मैडम ने नाम काट दिया। फिर एक बार गए तो मैडम ने प्रिंसिपल ने कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा तो नाम कट चुका है, यहाँ से जाओ। और फिर नाम ही कट गया था, मैडम ने कहा अब यहाँ से जाओ और कहीं रुकना मत, सीधे घर पर ही जाना। पैसे थे ही नहीं तभी हम स्कूल गए नहीं, पापा आए नहीं, मम्मी खेतों में काम करने जाती हैं। SP साहब के पास उन्होंने कहा कि ये रुपए हम दे रहे हैं और ये बच्ची हमारी है, हम ही इसको पढ़ाएंगे और इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। सरकार अभियान चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही अभियान। लेकिन यहाँ ऐसा कन्नौज में ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ था, कौन सा स्कूल था? गोमती बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज है मकरंदनगर में, सरकारी है। बेटी के साथ क्या, बेटी पढ़ने गई, उसने पैसे नहीं दे पाए और वो बराबर कहती रही हो जाएंगे तो दे देंगे, हो जाएंगे दे देंगे, लेकिन फिर भी हाँ फीस, फिर उसको भगा दिया, उसका फॉर्म नहीं भरा हाई स्कूल का। क्या हालत है परिवार की? परिवार की हालत भाई साहब बिल्कुल बेकार है, मकान बिल्कुल बेकार है और माँ है अकेली, बाप है नहीं, दादी दादा कोई है नहीं। माँ मजदूरी करने जाती, मजदूरी गुजर बसर करती है भाई, कभी काम लगता कभी नहीं लगता है। हाँ बच्चे कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं। SP साहब के पास ये मतलब पहुंची
तो उन्होंने मदद ली और इस बेटी को गोद ले लिया और फार्म भराने का वादा किया और पैसे दिए, इसको कपड़े लेते व्यवस्था की। हाँ बेटी परीक्षा देगी ये उन्होंने वादा किया। ये ऐसे अधिकारी को हम तो धन्यवाद देते हैं। हाँ ऐसे अधिकारी मिलते नहीं, ये आज पहला काम हमने मतलब देखा। मामला यूपी के करनौल जिले का है, जहां गोमती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बोर्ड फीस ना जमा कर पाने के कारण स्कूल की प्रिंसिपल ने गरीब बेटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेटी गरीबी की हवाला देकर पढ़ाई की भीख मांगती रही, लेकिन सरकारी स्कूल में तैनात अधिकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ठेंगा दिखाते रहे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में फिल्म पद्मावती का विरोध प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में फिल्म पद्मावती का विरोध प्रदर्शन जारी है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म पद्मावती में ये बताया जा रहा है कि मुख्य तत्वों को छिपाकर बनावटी तत्व प्रदर्शित किया गया, जिसको लेकर राजपूत समुदायों में घोर आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर नरसिंहपुर में भी राजपूतों ने फिल्म पद्मावती का विरोध किया। वाहन रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वही ज्ञापन में फिल्म में ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से रामकुमार पटेल की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। पश्चिम वर्धमान जिले में लगभग 128 ICDS यानी आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पश्चिम वर्धमान जिले में 128 नए ICDS सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। वही आंगनवाड़ी में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 80 आंगनवाड़ी केंद्रों में शिशुआलय की भी स्थापना की जाएगी। समाज कल्याण व ISDS को लेकर जिला मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता DM शशांक सेठी ने की। মানে কি কি আলোচনা হয়েছে আপনাদের কাছে? আইসিডিএস এর যেগুলো আছে বিশেষ করে যেগুলো আছে আইটেম যেগুলো আছে সেগুলো কি আইটেম স্যার একটু ক্লিয়ার করুন নাম বুঝতে পারছি না। আইসিডিএস এর যে সমস্ত আছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্ত এগুলো আছে শিশু আলয় তারপর আধার শিডিংস ইত্যাদি আধার শিডিংস আধার সেটিংস কিশোরী শক্তি যোজনা এগুলো কী কী যোজনা কিশোরী শক্তি আচ্ছা এগুলো কী হবে এই যোজনাগুলো এইগুলো নিয়ে ডিসকাশন হলো আর কি। 25 তারিখে কী প্রোগ্রাম হতে চলেছে আপনাদের? ওই শিশুআলয় নিয়ে হবে। ঠিক আছে, শিশুআলয় প্রোগ্রামে কী হবে, কটা শিশুআলয় হবে আসানসোল জেলাতে? শিশুআলয় নিয়ে আমাদের ডিসকাশন হলো। হ্যাঁ, সিডিপিওজরা সিডিপিওজরা সেইগুলো রেডি করছে রেডি করে। बैठक में SDO प्रलय राय चौधरी, DPO परिमल दास समेत सभी CDPO उपस्थित थे। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि जरूरत को देखते हुए जिले के विभिन्न जगहों पर कुल 128 ICDS सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा होता है समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल ID indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार। We'll be right back.